नमस्कार, न्यूज फॉर्मेशन देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं रिचा शर्मा। बिहार में नीतीश कुमार से बगावती तेवर अख्तियार करने के बाद एनडीए से अलग हो चुके चिराग पासवान अब बीजेपी को भी चुनौती देते नजर आ रहे हैं। हालांकि चिराग पासवान लगातार देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तारीफ करते नहीं थकते, उनको लेकर अच्छी अच्छी बातें लिखते हैं, यहाँ तक कहते हैं कि बीजेपी के साथ ही सरकार बनाएंगे और बीजेपी को पूरे तरीके से चुनाव में सपोर्ट करेंगे। लेकिन इसके साथ एलजेपी ने ये साफ कर दिया है कि दो ऐसे सीट जहां इस बार बीजेपी ने कैंडिडेट उतारा है, वहां पर चिराग पासवान कोई समझौता नहीं करेंगे, क्योंकि वो चिराग पासवान की विनिंग सीट है। हम बात कर रहे हैं गोविंदगंज और लालगंज की। ये सीट चिराग पासवान यानी कि एलजेपी की विनिंग सीट है। ऐसे में चिराग ने ये साफ तौर पर कह दिया है कि वो सीट किसी भी सूरत में चेंज नहीं करेंगे और वहां से उनके कैंडिडेट उतरेंगे तो उतरेंगे। यानी कि चिराग पासवान अब बीजेपी को चुनौती देते दिख रहे हैं। इन सीटों को लेकर लोजपा की ओर से कहा गया है कि चूंकि उक्त दोनों सीटों पर हमारे वर्तमान विधायक हैं, इसलिए इस सीट पर चुनाव लड़ने का निर्णय पार्टी ने किया है। आपको बता दें कि लोजपा शुरू से ये कहती आ रही है कि बीजेपी उम्मीदवारों के खिलाफ अपना प्रत्याशी नहीं उतारेगी। पहले चरण में लोजपा ने 42 सीटों पर प्रत्याशी उतारा है, जिनमें एक भी भाजपा के खिलाफ नहीं है। लेकिन दूसरे फेज में लोजपा, भाजपा और जदयू के बागी नेताओं को लोजपा प्रत्याशी बना सकती है। कई ऐसे नेता लोजपा के संपर्क में हैं। पहले चरण में भाजपा के आधा दर्जन नेताओं को लोजपा का सिंबल दिया गया। पूर्व मंत्री और जदयू नेता भगवान सिंह कुशवाहा को लोजपा ने जगदीशपुर से उतारा है। गौरतलब है कि लोजपा चीफ चिराग पासवान की जदयू से अदावत काफी वक्त से देखी जा रही है। चिराग पासवान ने ये साफ कर दिया था कि वो किसी हाल में नीतीश के नेतृत्व में चुनाव नहीं लड़ने वाले। अपने फैसले पर कायम रहने के लिए चिराग पासवान ने एनडीए से साइड होकर 143 सीटों पर अपने सिपाहियों को उतारने का ऐलान भी किया था। तो पहले फेज में सब कुछ ऑल इज वेल था। चिराग पासवान ने जिस तरीके से बीजेपी को ये वादा किया था कि बीजेपी का सपोर्ट करेंगे, वो ऐसा किए भी। लेकिन दूसरे चरण में चिराग पासवान के तेवर और भी बदल गए। सिर्फ नीतीश कुमार के खिलाफ नहीं, बल्कि अब तो चिराग पासवान बीजेपी की भी खिलाफत करते नजर आ रहे हैं। वो इसलिए क्योंकि दो ऐसी सीटें लालगंज और गोविंदगंज जहां पर बीजेपी ने टिकट दिया है, बीजेपी ने प्रत्याशी को उतारा है, वहां पर चिराग पासवान अपने प्रत्याशी को उतार रहे हैं, क्योंकि उनका मानना है कि वो विनिंग सीट है। ऐसे में किसी भी कीमत पर उन सीटों पर वो समझौता नहीं करेंगे और वहां से चिराग पासवान के सिपाही ताल ठोकेंगे। ऐसे में इन दो सीटों पर मुकाबला जबरदस्त होगा। हालांकि चिराग ये कहते नजर आते हैं कि बीजेपी को वो फुल सपोर्ट करेंगे, लेकिन ये दो सीटें हैं जहां पर चिराग वर्सेस बीजेपी की लड़ाई देखने को मिलेगी। फिलहाल के लिए इतना ही। बने रहे हमारे साथ और देखते रहे न्यूज़ फॉर नेशन। नमस्कार।